दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में टच खराब हो जाए, ग्लास टूट जाए या फिर LCD टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं BCD टेक YouTube चैनल को। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों मोबाइल फोन का डिस्प्ले बना होता है 3 कंपोनेंट से, LCD, ग्लास और टच। कई मोबाइल फोन में जो टच होता है वो ग्लास के साथ फ्यूज होता है, और कई मोबाइल फोन में जो टच होता है वो LCD के साथ फ्यूज होता है, और कई मोबाइल फोन में ये तीनों चीज़ें आपस में फ्यूज होती हैं, एक कॉम्बो फॉर्म आती हैं। तो यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फोन में इन तीनों में से कोई भी चीज़ टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फोन में LCD पैनल टूट जाए, जैसे कि आप यहाँ पर इस फोन में देख सकते हो, इस फोन का जो LCD पैनल है वो टूट गया है, जबकि ऊपर वाला ग्लास और टच वर्क कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कॉम्बो पैक है, मतलब कि कुछ इस टाइप का पैक है, तो आप पूरे कॉम्बो को बदलने की कोशिश करें। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर LCD और ग्लास आपस में सेपरेट हो सकता है तो आप LCD को बदल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में टच खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस मोबाइल फोन में जो टच है वो खराब हो गया है, जबकि ग्लास और LCD दोनों बढ़िया हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में टच और ग्लास सेपरेट हो सकता है LCD से, तो आप टच और ग्लास को चेंज कर दें। अगर आपके फोन में ये सेपरेट नहीं हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में आइदर आपको पूरा कॉम्बो चेंज करना होता है या फिर दोस्तों इस कॉम्बो में से LCD और टच को सेपरेट करना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एमोलेड स्क्रीन है और उस फ़ोन में टच वर्क ना कर रहा, तो आपको ऐसे केस में पूरा का पूरा फोल्डर चेंज करना होता है, क्योंकि दोस्तों जो एमोलेड स्क्रीन होती है उसी के ऊपर टच चिपका होता है। तो ऐसे केस में आप ग्लास को चेंज करके टच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एमोलेड स्क्रीन है तो आप पूरे फोल्डर को चेंज करें। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ग्लास टूट जाए या फिर क्रैक कर जाए तो क्या करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, इस मोबाइल फ़ोन में जो टच है वो वर्क कर रहा है, LCD भी वर्क कर रही है, बट जो ग्लास है वो क्रैक कर गया है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो ग्लास है वो कितना टूटा है, मतलब कि वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है। अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, मतलब कि हाथ में नहीं चुभ रहा है या फिर आपके कान में नहीं चुभ रहा है, तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ठीक करना है तो ऐसे केस में डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो ग्लास है वो LCD के साथ फ्यूज्ड है या फिर सेपरेट है। अगर वो सेपरेट है तो आप ग्लास को चेंज कर लीजिए, अगर वो फ्यूज्ड है तो फिर से दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में LCD पैनल है या फिर AMOLED। अगर LCD पैनल है तो ऐसे केस में आप पूरे कॉम्बो को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप टच और ग्लास को सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद मार्केट से टच को लाके इसको रिप्लेस कर दीजिए। बट अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर AMOLED पैनल है, मतलब कि ऑर्गेनिक डिस्प्ले है, तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने फोल्डर को या फिर कॉम्बो को सेपरेट करने की कोशिश करें, मतलब कि उसमें से ग्लास को सेपरेट करके नए ग्लास से रिप्लेस करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों AMOLED जो स्क्रीन होती है वो काफ़ी महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू LCD स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपके मोबाइल फ़ोन में AMOLED स्क्रीन है तो आप ग्लास को चेंज करवाएं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में LCD पैनल है तो आप पूरे कॉम्बो को भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ग्लास, टच या फिर डिजिटाइजर खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।